हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ से अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन से कोई सवाल आता है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं टीजीटी पीजीटी आईटी जीआईसी में। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना। मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2, उसको किस में कन्वर्ट करना, अमोनिया में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अच्छा, ध्यान से समझना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो केवल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस को करने पे यहाँ पे जो एंजाइम लगता है उसका नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम केवल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होता है, वो किसी भी यूकैरियोट में नहीं प्रेजेंट होता है। इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही इस काम को कर सकते हैं। अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे होते हैं, तो इसको देखिए, मैंने एक बहुत ही बारीकी से मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है आपको। देखिए, पहला क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग डाइजोट्रॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजोट्रॉप्स, जो केवल और केवल प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक फ्री लिविंग होता है या सिम्बायोटिक फॉर्म में भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स करें, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिम्बायोटिक फॉर्म में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्स करें। तो चलिए देखिए, जो फ्री लिविंग है वो दो हो सकते हैं, एयरोबिक और एनएरोबिक। एयरोबिक का एग्जांपल मैंने लिखा है एजोटोबैक्टर और बिजरनिकिया, और यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी भी फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, जैसे ऑसिलेटोरिया, ठीक है, ऑसिलेटोरिया, ये सब। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। एरोबिक हो गया, एनोरोबिक में बैसिलस हो गया, रोडो स्पाइरलम हो गया, बैसिलस हो गया, और ये सब ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिम्बायोटिक की, तो सिम्बायोटिक फॉर्म में नाइट्रोजन कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, नोड्यूल क्या होता है, जैसे आप किसी भी दलहनी प्लांट को लीजिए, तो उनके उनको उखाड़िए तो उनको उनके रूट में कुछ गांठ पाई जाती है, उसी को हम लोग नोड्यूल कहते हैं। तो नोड्यूल दो तरीके से हो सकते हैं, रूट में हो सकता है, स्टेम में हो सकता है, कहीं कहीं लीफ में भी होता है, और उसी स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन फिक्स होता है। तो देखिए, जो सिम्बायोटिक फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं वो नोड्यूल भी बना सकते हैं और बिना नोड्यूल के भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अगर यहाँ पर मैंने लिखा विद नोड्यूल फॉर्मेशन, विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन, तो चलिए हम पहले विद नोड्यूल फॉर्मेशन देखते हैं। विद नोड्यूल फॉर्मेशन लिखा है नोड्यूल रूट में बन सकता है, विद रूट नोड्यूल, नोड्यूल स्टेम में बन सकता है, रूट में भी नोड्यूल लेग्यूमिनस प्लांट, दलहनी पौधों में बन सकता है, और ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में बन सकता है। अब देखिए, लेग्यूमिनस प्लांट में जो बैक्टीरिया होता है वो राइजोबियम स्पीसीज होता है, और कुछ दलहनी प्लांट के मैंने नाम लिखे हैं, बीन है, अल्फा अल्फा है, पी है, क्लोवर बीन है, लवलव है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपसे पूछे कि लेग्यूमिनस प्लांट में कहाँ पे नोड्यूल बनता है, तो रूट नोड्यूल बनता है, वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम होता है, और प्लांट तो आपको पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो होता है फ्रेंकिया, फ्रेंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, ये भी रूट नोड्यूल ही बनाता है। और या इस प्लांट में प्लांट कौन कौन सा है, एल्नस, केजुरीना और मिरिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के नाम है एल्नस, केजुरीना और मिरिका, इसमें फ्रेंकिया बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। अच्छा, कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें स्टेम में भी नोड्यूल बनता है, तो उस प्लांट का नाम है सिसबेनिया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिसबेनिया प्लांट में स्टेम में नोड्यूल बनता है और ये एजो राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करता है। और हमें पता है कि बिना नोड्यूल फॉर्मेशन के भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, जैसे कोरलाइड रूट ऑफ साइकस में एनाबिना और नॉस्टॉक पाए जाते हैं, वो वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। एंथोसिरास जो ब्रायोफाइटा होते हैं, एंथोसिरास में, थैलस में इसकी नॉस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है, और एजोला की लीव्स जो टेरिडोफाइटा होते हैं, एजोला की लीव्स में एनाबिना एजोली होते हैं जो नाइट्रोजन
फिक्स करने का काम करते हैं। तो ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप इसे इस तरीके से पढ़ लेते हो, तो आपके यहाँ पे अगर क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन से तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ये, और पहला इस दूसरा क्या है, स्टेम नोड्यूल वाला भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो सिसबेनिया प्लांट आप याद रखना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए, और हमारे कोर्स के जो आने वाले कोर्स है उसके बारे में ज़रूर इंट्रोड्यूस कराइए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।